हेलो दोस्तों, पीवी इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं स्टार्टर मोटर प्रोटेक्शन रिले जो रहता है दोस्तों, वो कैसे काम करता है। दोस्तों, ये जो रिले है ज़्यादातर मतलब सभी गाड़ियों में देखा जाता है, लेकिन ये जो रिले दोस्तों टाटा सफारी, टाटा इंडिगो, टाटा इंडिगा, टाटा मांजा, टाटा इंडिका विस्टा, इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। टाटा सुमो में भी देखने को मिलता है, न्यू मॉडल में जो आई है दोस्तों उसमें। अभी इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे काम करता है, ये स्टार्टर को प्रोटेक्शन कैसे देता है। मतलब अभी दोस्तों ये जो एक पॉइंट है दोस्तों, ये बैटरी का रहता है दोस्तों प्लस, या फिर डायरेक्ट प्लस रहती है बैटरी में से, फ्यूज से ओके रहती है दोस्तों। ओके, यहाँ पे एक ग्राउंड रहती है वो रिले के लिए, और एक पिन तो एम्प्टी रहती है, इसका कुछ मतलब नहीं। और ये जो है दोस्तों, ये आउटपुट रहता है स्टार्टर सोलनाइट के, जैसे इस पिन पे मेन आ जाएगी, हम जैसे इग्निशन स्विच से क्रैंकिंग करते हैं तो इस पिन पे मेन आ जाती है, तो रिले क्या करता है, रिले क्या करता है, इन दोनों पिन को मिला देता है। ओके दोस्तों, ये रिले क्या करता है दोस्तों, रिले क्या करता है दोस्तों, ये जो बैटरी का डायरेक्ट जो प्लस रहता है दोस्तों, इस पिन के थ्रू स्टार्टर के लिए निकाल देता है जब भी हम क्रैंकिंग करते हैं, मतलब इस पिन पे जब भी मेन आता है दोस्तों तभी। ओके, तो इसका क्या रहता है दोस्तों, इस पिन पे कभी हमारी गाड़ी समझो कुछ प्रॉब्लम है तो चालू नहीं होती, तो हम लगातार क्रैंकिंग नहीं कर सकते, लगातार स्टार्टर मार नहीं सकते, मतलब सेल्फ पकड़ के रख नहीं सकते। सेल्फ कितने भी हमने पकड़ के रखा तो 15-16 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक कट मार देता है, मतलब इस दोनों पॉइंट को मिलाना छोड़ देता है, कि हमारी गाड़ी कभी चालू नहीं होती तो 15-16 सेकंड के बाद इस दोनों पॉइंट में उसका जो करंट रहता है वो कट हो जाता है, मतलब जो आउटपुट निकलता है स्टार्टर सोलनेट के लिए वो कट मार देता है दोस्तों, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम करता है। इसका काम ही वही रहता है दोस्तों, इसके अंदर आईसी रहता है दोस्तों, 8 पिन का आईसी रहता है, तो इसमें सब प्रोग्रामिंग रहती है तो सब मैनेज करता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक तो ये हो गई बैटरी के प्लस, इसमें रहती है डायरेक्ट, एक जो रहता है दोस्तों पॉइंट एक आउटपुट के लिए रहता है स्टार्टर सोलनेट के लिए, स्टार्टर मोटर के लिए, तो जैसे हम यहाँ क्रैंकिंग करते हैं तो इस पॉइंट पे मेन आ जाती है दोस्तों, तो ये जो आउटपुट रहता है दोस्तों बैटरी का वो स्टार्टर के लिए इस पॉइंट में से होकर निकलने को शुरुआत हो जाती है, कितने 15-16 सेकंड तक ही निकलता है दोस्तों, कभी हमारी गाड़ी चालू नहीं हुई तभी, क्योंकि लगातार हम सेल्फ मारेंगे तो हमारा स्टार्टर कैसा घूमता ही रहता तो खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों एक पॉइंट रहता है एम टी रहता है, एक ग्राउंड रहता है, और एक ये बारीक पॉइंट रहता है दोस्तों, ये देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों इसका क्या मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और स्टार्टर प्रोटेक्शन दोस्तों इसका भी एक अहम रोल होता है इस रिले के स्टार्टर के लिए, इसका मतलब इस पॉइंट का भी एक अहम रोल रहता है बहुत बड़े। अभी मैं आपको समझने वाला हूँ, आपको थ्योरेटिकली भी बताने वाला हूँ और आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए तभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, अभी इस पर प्लस आता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख के रखा हूँ, प्लस का भी आता है दोस्तों, जब भी हमारी गाड़ी एक बार चालू हो जाए, मतलब हम सेल्फ मारेंगे या मेन आएगी, तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, और एक बार हमारी गाड़ी चालू हो जाएगी तो हम कितने भी सेल्फ पकड़ के रख लें, तो इस पे एक बार मेन आ जाने के बाद ये रिले ऑपरेट ही नहीं होगा दोस्तों, जब तक हमारी गाड़ी चालू रहती तो इस पॉइंट पे कंटिन्यू मेन रहती है दोस्तों। ओके, कंटिन्यू प्लस का जो सप्लाई रहता है वो बना रहता है इस छोटे वाले पॉइंट, मतलब कितने भी हम सेल्फ पकड़ के रखें गाड़ी एक बार चालू जाने के बाद, तो सेल्फ बैठने नहीं वाला, अपने स्टार्टर को इस पिन में से जो आउटपुट मिल रहा है दोस्तों स्टार्टर सोलनेट स्विच के लिए, वो मिलेगा ही नहीं। ओके, मतलब वो बंद कर देगा जब तक हमारी गाड़ी चालू है, वैसे वो प्रोग्रामिंग रहता है दोस्तों इस रिले के अंदर, जो मैंने आपको बताया ना 8 पिन का जो आईसी लगा रहता है उसमें सब प्रोग्रामिंग करके रखा होता है, तो जैसे एक बार इस रिले को मालूम पड़ जाता है इस पॉइंट पर मेन आ जाने के बाद कि हमारी गाड़ी चालू हो चुकी, तो कितना भी हम सेल्फ मारेंगे या कितना भी क्रैंकिंग कर ले, इस पे मेन जाएगी दोस्तों, मेन तो जाने वाली है, लेकिन रिले के अंदर ये जो दोनों पॉइंट है मिलने वाले है नहीं। ओके, मतलब जो आउटपुट निकलता है स्टार्टर के लिए
सॉलनेट स्विच के लिए वो निकलने वाला है नहीं, इसका बहुत बढ़िया काम रहता है। मतलब जब गाड़ी चालू हो जाने के बाद हम फिर से कभी कभी कोई कोई लोगों को आदत रहती है फिर से सेल्फ मारते हैं, तो उसके लिए रिले बहुत अहम काम करते हैं हमारे स्टार्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए। मतलब एक बार हमारी गाड़ी चालू हो जाने के बाद कितना भी सेल्फ मारोगे तो भी सेल बैठने वाला ही नहीं, मतलब हमारी गाड़ी क्रैंकिंग करेगी नहीं, क्योंकि इस रिले पे जब तक मेन रहेगी हमारी गाड़ी चालू है तब तक इस रिले के पॉइंट पे मेन रहने वाली, ये जो बारीक पॉइंट देख रहे छोटा वाला इस पे हमेशा मेन बनी रहेगी जब तक हमारी गाड़ी चालू है। एक बार बंद हो जाने के बाद यहाँ से मेन हट जाती तो फिर से हम जब भी क्रैंकिंग करते तो यहाँ से आउटपुट सॉलेनोइड के लिए निकलना शुरू हो जाता है। ओके, ये दोनों पॉइंट मिलना फिर से शुरू हो जाता, लेकिन जब तक हमारी गाड़ी चालू है तो यहाँ पे मेन आती डायरेक्ट रहती, मतलब एक बार चालू हो जाने के बाद यहाँ पे मेन आ जाती है तो रिले को पता चल जाता कि हमारी गाड़ी चालू है। तो कितना भी हम इधर से क्रैंकिंग करेंगे इस पे से, लेकिन सप्लाई तो जाएगा लेकिन रिले जो है इन दोनों पॉइंट को मिलेगा ही नहीं, ताकि स्टार्टर के लिए आउटपुट ना निकले, ताकि डबल सेल्फ ना बैठे। ओके, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको इसका प्रैक्टिकल भी अभी करके मैं दिखाता हूँ। जैसे वीडियो में बताया था दोस्तों, एक ग्राउंड है हमारे पास यहाँ पे, तो ये जो एक वायर है यहाँ पे ग्राउंड दे रखी है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेन का सप्लाई दोस्तों ये वाला, ये देख सकते हैं आप। तो अभी कैसे ऑपरेट होता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो बल्ब है यहाँ पे, ये जो आउटपुट जो स्टार्टर सॉलेनोइड के निकलता है उस पर मैं जोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मतलब इस रिले पे से हम सप्लाई देंगे तो स्टार्टर सॉलेनोइड के लिए इस पिन में से जो आउटपुट निकला दोस्तों, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, तो वैसे मैं निकलने वाला हूँ जैसे हम इस पे मेन देंगे तो तभी। ओके दोस्तों, दोस्तों ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे बैटरी का जो डायरेक्ट रहता है वो दे रखा हूँ, और एक स्टार्टर के लिए। ये देखिए दोस्तों, बल्ब आपके पास कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको एक आवाज़ भी आ रही होगी रिले ऑपरेट होने की। जैसे हम क्रैंकिंग करते तो इस पॉइंट पे सप्लाई जाता, तो इस पॉइंट पे मैं दे रखा हूँ। ये देखिए, अभी ये मैं कंटिन्यू दे रखा हूँ, फिर भी अभी ये 15-16 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, क्योंकि वो रिले का वही काम रहता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने हटाया भी नहीं दोस्तों हाथ, लेकिन कट हो गया अभी सप्लाई। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी कट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक कट मार दिया, मैंने पकड़ के रखा हुआ, आप देख सकते हैं उस पिन में मैंने पकड़ के रखा हुआ, फिर भी कट हो गया, क्योंकि वो स्टार्टर को प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि कोई कोई लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू क्रैंकिंग करते हैं, तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन दे के रखा होता है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, भी कट मार देगा ऑटोमेटिक। देखिए, ये देखिए दोस्त, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों हमारी गाड़ी चालू हो चुकी, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं मेन देख के रखा हूँ, छोटे पॉइंट को भी मेन देख के रखा हूँ। अभी ऐसे कितने भी सेल ये देखिए दोस्तों, अभी कितने भी ऐप टच कर लो कोई फर्क गिरने वाला ही नहीं। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारी गाड़ी चालू है, इस छोटे पॉइंट पे मैंने मेन देखे रखी, जो बैटरी की मैंने हो इस वायर पे से इस तार पे से होती, इसको भी टच कर रखी और ऐप से मेन दे रहा हूँ, तो फिर भी कोई फर्क नहीं गया था। जैसे इस पे से निकलता हूँ अभी देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऑटोमेटिक कट मार देगा। अभी गाड़ी हमारी इस सप्लाई जैसे आ जाएगा तो जो बल्ब है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मतलब स्टार्टर के जो सप्लाई निकलता है ऑटोमेटिक कट मार देगा। अभी देखिए, ये देखिए आप ऐसे मेन में देखते हो इसको, ये देखिए दोस्तों कट मार दिया, मतलब एक बार गाड़ी चालू जाने के बाद इस पिन पे कंटिन्यू मेन बनना रहता है। अभी छोड़ के भी कभी सेल मारोगे तो नहीं बैठने वाला। ये देखिए दोस्तों, कितना भी मार लो आप नहीं बैठने वाला सेल्फ। ये देखिए अभी बैठेगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे आ गया मेन तो कट मार दिया।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।